दिखते हुए तो टेस्टी लग रही है, ट्राई कर लूंगी आज। से पूछ रही मम्मी, कह रही तो दिन में बिंदी लगा के बीमार होने के बाद दिन गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। सुबह उठी हूँ, सुबह से ही पूरा बॉडी एक हो रखा है एंड कोल्ड इतना ज़्यादा हो रखा है, आपको शायद मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। मेडिसिन खाई है, मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा बेटर फील हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा उठ जाती हूँ अब। बट बहुत ज़्यादा अभी भी ना, मतलब एक तो कोल्ड हो रहा है, गले में पेन हो रहा है एंड मेरे शोल्डर नेक पे इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। तो आज का जो व्लॉग है मोस्टली आज मम्मी ही बनाएंगे, बिकॉज मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आज ज़्यादा व्लॉग बना पाऊँ। तो आइए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। आज बालकनी में 1-2 ये एक ये रहा और एक अभी अभी ये गिरा है, तो इसमें 4 फ्लावर्स आ रखे थे। पहले इसमें 7-8 फ्लावर्स डेली के आते थे, अब फिर से ही उगना स्टार्ट हो। लंच आ गया है, आज मम्मी ने लंच में बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी साथ में रोटी। आलू मटर की सब्ज़ी मेरी बहुत ही फेवरेट है, एक्चुअली मुझे मटर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं छिलते छिलते कच्चे मटर भी खा जाती हूँ। हेलो एवरीवन, मैंने 3-4 दिन पहले भरे हुए प्याज और भरी हुई हरी मिर्च बनाई थी, तो मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आए कि आप हमें इस प्याज की रेसिपी जरूर देना, तो इसीलिए आज मैं ये भरे हुए प्याज की रेसिपी दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिए हैं छोटे साइज के 6 प्याज और 5 हरी मिर्च। प्याज को मैंने छील लिया है और इनको हम ऐसे करके इधर से और एक इधर से कट लगाएंगे, ऐसे और एक ऐसे, सारे प्याजों को हम ऐसे ही कट लगाएंगे और हरी मिर्चों को बीच से ऐसे करके अलग नहीं करनी इनको, बस एक बीच से ऐसे करना है ताकि इनमें मसाला भर सके और ये बीज इसी में रहेंगे। और अगर किसी को कम तीखी मिर्च खानी है तो थोड़ी मोटी वाली मिर्च भी ले सकते हैं। सारे प्याज अच्छे से कट गए हैं और हरी मिर्च भी कट गई हैं। अब इन पे हमने इसके अंदर मसाला भरना है। मैंने यहाँ लिया एक कटोरी और इसके लिए हम सूखे मसाले अलग से निकालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। परसों मैंने एक अरबी की रेसिपी दी थी, उसका एक मसाला तैयार किया था, 1/2 चम्मच मैं उसका भी डालूंगी और इन सब मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इन्हें कटे हुए प्याज में भरेंगे और ऐसे जितना हो सकता है हम मसाले इसमें भरेंगे और दोनों साइड अच्छे से भरेंगे और ऊपर ऐसे कर देंगे कि अच्छे से मसाला भर जाए। बाकी प्याज में भी हम इसी तरीके से मसाला भरेंगे। प्याज सारे भर चुके हैं, अब हम इसी तरीके से हरी मिर्च भी भरेंगे। इसे ऐसे खोल के इसके अंदर ऐसे मसाला डालेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में 2 चम्मच डाला है कुकिंग ऑयल और मैं एक एक करके प्याज रखूंगी इसके अंदर, और ये हमें गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। तेज पे रखेंगे तो ये एकदम से चारों साइड से ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन पकेंगे नहीं अंदर से ना, अंदर से हाँ बिल्कुल लो पे पकाने हैं। मुझे 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था कि आप बहुत ही कम तेल यूज करते हो, तो मैं पहले बहुत ज्यादा ऑयल यूज करती थी सब्जी में, लेकिन जब से मुझे हार्ट की बीमारी हुई है तो डॉक्टर ने मुझे कम तेल लेने को कहा है, तो इसी वजह से मैं बहुत कम तेल यूज करती थी जितना सब्जी को चाहिए। और वैसे भी तेल ऐसी चीज है कोई फायदा तो दे नहीं रहा कि हम ज्यादा भी डालेंगे तो हमें वो फायदा देगा, तो इसीलिए कम से कम तेल में सब्जी बनाए। इन्हें हम अब एक धीरे धीरे पलटते जाएंगे, ये देखो हल्का हल्का नीचे से पकने शुरू हो चुके हैं,
और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकानी है, तभी अच्छे से ब्राउन होंगे। ये देखिए एक साइड से कलर आना शुरू हो गया है और हरी मिर्चें भी थोड़ी थोड़ी सी हो रही है ब्राउन। प्याज हमारे चारों साइड से पक चुके हैं और हल्के हल्के से ब्राउन भी हो चुके हैं और अलग भी होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने मसाला बनाया था उसका एक चम्मच हम ऊपर से डालेंगे ताकि ये अच्छे से मसाले में कोट हो जाए और इन्हें हल्के हाथों से चलाएंगे। गैस की फ्लेम करते हैं हम बंद और प्याज हमारे बन चुके हैं और मसाले में अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर करते हैं। ये प्याज पूजा मेरे और इसके पापा के बहुत मेरे नहीं है। मैं तो खाती नहीं मम्मी। अच्छा तू नहीं? एक बार तुमने खाए होंगे तो अच्छे लगे थे। मैंने नहीं पर पापा को तो बहुत पसंद है। पापा के है फेवरेट। हाँ इनको बहुत अच्छे लगते हैं ये भरे हुए प्याज, भरे हुए बैंगन, भरी हुई सारी सब्जियां, भरी हुई सारी सब्जियां पसंद आती हैं। जो बचा हुआ मसाला है वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे। दिखते हुए तो टेस्टी लग रही है, ट्राई कर लूंगी आज। कर आज एक बार ट्राई कर, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि मेरे यहाँ पे पिंपल हो रहा है, पता नहीं मेरा नेल लग गया है, इस पे क्या हो गया है, इतनी ज्यादा इसमें से ब्लड निकलने लग गया है एंड ऐसे लग रहा है। मम्मी भी मुझसे पूछ रही, मम्मी कह रही तो दिन में बिंदी लगा के बीमार होने के बाद बिंदी लगा के क्यों घूम रही है, तो एकदम आया भी उसी जगह पे है बिल्कुल मिड पे। तो आप अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि मैं बिंदी लगा के क्यों घूम रही है, बिंदी नहीं है ये, पिंपल हो रखा है मुझे, पिंपल में से अभी इसे क्लीन करती हूँ अच्छे से, बट बिंदी नहीं है ये। सर आ गया है, आज दोपहर वाली जो सब्जी बनी थी वो बची हुई थी तो वही खा रही हूँ मैं। एंड जैसा अभी आपको दिखाया मम्मी ने ये भरे हुए प्याज बनाए थे तो मैं आज ये भी ट्राई कर रही हूँ, रोटी और साथ में है अचार। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ अपना डिनर। शाम के और रात के मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, अब सुबह जल्दी जाना है मुझे हॉस्पिटल। यहाँ पे कर रही हूँ मैं नमक वाला पानी गरम, क्योंकि गले में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। गरम पानी, नमक वाले गरम पानी से मैं गार्गल कर लूँगी तो थोड़ा बेटर फील करूँगी। हेलो एवरीवन, सो अभी भी मुझे ज़्यादा बेटर फील नहीं हो रहा, बट ये सुबह से जो मेरी हालत थी उससे तो मच बेटर फील हो रहा है। मुझे सुबह बॉडी एक हो रहा था एंड अभी मुझे शाम से ही कोल्ड हो गया है, तो बार बार छींकें आई जा रही है एंड बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग सा हो रहा है इस समय ना। बस मैं होप कर रही हूँ जल्दी से ठीक हो जाऊँ। एंड गले में भी ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, अभी मैंने नमक वाले गर्म पानी से गार्गल किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, सुबह भी उठ के करती हूँ तभी फ़र्क दिखेगा, एकदम से तो एक बार में फ़र्क नहीं दिख जाता। एंड आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। उठी मैं, उठने के बाद मैं आई गेस बेड से मैं उठी 2 बजे के करीब, उठ के मेडिसिन मतलब मेडिसिन खा ली थी तो तब मुझे बेटर फील हुआ, खाना वाना खाया, फिर थोड़ा घर का काम करा और उसके बाद नहाई धोई, ऐसे शाम बीत गई शाम को, फिर मैं मेडिसिन खा के लेट गई एंड बस ऐसे ही आज का दिन निकला। पता ही नहीं चला आज का दिन कैसे निकल गया। सो आज मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा कंटेंट तो शूट नहीं कर पाई, मैंने बहुत चीज़ें प्लान कर रखी थी बट वैसे नहीं एग्जीक्यूट कर पाई बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इशू एंड मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी को भी सेम कोल्ड, बॉडी एक और मम्मी को तो इवन कफ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा ना। सो आज का दिन तो ऐसे ही बीमार बीमार वाली हालत में ही गया है और काकू के भी दांत में पेन हो रहा है और उसे भी कोल्ड हो रहा है एंड आज इसी वजह से मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई। आज मम्मी का टेस्ट करवाने थे बट सुबह से इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी हॉस्पिटल नहीं जा पाए एंड अब कल जाएंगे बिकॉज डॉक्टर ने तो वेडनेसडे को ही मिलना है, तो हमारे पास कल का दिन भी है टेस्ट करवाने का। तो बस अभी बर्तन वर्तन इसलिए मैंने आज हिम्मत नहीं हो रही थी बट मैंने धो लिए बिकॉज सुबह पता नहीं अब सुबह कैसी हालात रहती है कुछ नहीं पता, तो मैंने कहा अभी जब जितना ठीक लग रहा है उतना तो काम फिनिश कर ही लेती हूँ मैं। सो अब मैं जाती हूँ बस सोने, दवाई लेती हूँ और सो जाती हूँ, रेस्ट करूँगी तो बॉडी रेस्ट रहेगी तो जल्दी रिकवर भी हो पाएगी। तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे से कॉमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।